हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सना खान के इस अबाया के जैसी स्लीव्स डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग देख लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले फैब्रिक को फोर फोल्ड में लेना होगा। आप देख सकते हैं स्लीव्स की लंबाई जो है 24 इंच लेनी है और स्लीव्स की चौड़ाई जो है लगभग 14 से 15 इंच लेनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इसमें जो है इलास्टिक लगानी है, तो इसके लिए हमें स्लीव्स को नीचे से चौड़ा रखना होगा। आर्म होल के लिए हमने स्लीव्स पर जो है 9.5 इंच पर निशान लगाया है। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम स्लीव्स पर इस तरीके से निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए। उसके बाद स्लीव्स को कट कर लेना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्लीव्स को ऐसे रखना होगा और उसके बाद जो है स्लीव्स के किनारी को मोड़ते हुए कुछ ऐसे सिलाई लगानी होगी। आप देख सकते हैं हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी होगी। 1 इंच चौड़ी पट्टी छोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगानी होगी, आप देख सकते हैं। और ये सिलाई जो है हमें स्लीव्स के एंड तक लगानी होगी। हम स्लीव्स के एंड तक इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे, और इस तरीके से स्लीव्स की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम बोबिन में शटल वाली इलास्टिक को ऐसे भर लेंगे। हमें इलास्टिक को ढीले हाथों से भरना है, आप देख सकते हैं ये हमने इलास्टिक भर ली है ऐसे। अब इस बोबिन को बोबिन केस में लगाएंगे इस तरीके से, और अब इस बोबिन केस को टाइट कर देंगे ऐसे। आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब इस बोबिन केस को मशीन में लगा देंगे। उसके बाद जो है हमें इंची टेप की हेल्प से स्लीव्स पर 1-1 इंच का गैप देते हुए निशान लगाना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। हमें ये निशान जो है लगभग 9 इंच तक लगाना है और ये निशान जो है 1-1 इंच के गैप से ही लगाना है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम ये 9 इंच निशान लगा लेंगे 9 इंच तक ऐसे। यहाँ पे हमने कट लगाया है जहां तक हमें ये निशान लगाने हैं, ये हमने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये नीचे इलास्टिक लग रही है इसमें, देखो इस तरीके से। और इसके बाद हम एक के बाद एक सिलाई लगाते जाएंगे। गाइस, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ये बड़ी ही आराम से लग जाएगी। और क्या आपको पता है इस टाइप की स्लीव्स आजकल काफी ट्रेंड में है और ये स्लीव्स फैशनेबल होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी है, तो ऐसी स्लीव्स को ट्राई करना तो बनता है। आप इस टाइप की स्लीव्स को सिंपल अबाया, बॉक्स प्लीट अबाया या फिर अम्ब्रेला अबाया या जो भी आपको अबाया स्टाइल पसंद हो उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। आपको ऐसे हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ सभी निशान तक इलास्टिक लगा लेनी है। ये स्लीव डिजाइन किसी भी कलर के अबाया में आप ट्राई कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने जो है 4 लाइन कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने जहां तक निशान लगाया है हमें वहां तक ये सिलाई लगा लेनी है ऐसे। सना खान का जो अबाया है वो ग्रीन कलर में है, आप देख सकते हैं। और सना खान के ब्लू अबाया में भी यही स्लीव डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। और हमने इसे ब्लू पोर्टल लाइनिंग फैब्रिक में बनाया है। हमने जहां तक निशान लगाया था वहां तक इलास्टिक लगा ली है। अब जो है उसके बाद हम
स्लीव्स को मोड़ देंगे और स्लीव्स के किनारी पर सिलाई लगा देंगे ऐसे। अब हमारी स्लीव जो है रेडी हो गई है। चलिए अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।